क्या सही बच्चे को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया बच्चों, है ना? यस आ गया ना? सर, यस सर, ओके फाइन, ओके। सो अगेन बच्चों, सबको वेरी बहुत बढ़िया शुभ, अगेन बच्चों वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। गुड सुप्रभात, मॉर्निंग। सुप्रभात, सुप्रभात, हाँ वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखो बच्चों, देखो आज हम क्या चैप्टर स्टार्ट करने वाले बच्चों, आज हम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री। बेसिकली जो चैप्टर है बच्चा, किसी को डिपेंड करता है ये आपका डिपेंड करता है आपका मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। अब जैसे जैसे आप जानते हो बच्चों, देखो कि हमें एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस करने, राइट? हमारा मेन मोटिव क्या बच्चा इस क्लास में आने का, कि हमें एंट्रेंस एग्जाम को प्रॉपरली फॉलो करना है। तो देखो बच्चों, एंट्रेंस एग्जाम प्रॉपर जब फॉलो करते बच्चों, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये पता चलना चाहिए कि कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। ऑब्वियसली बात है कि जो आपका चैप्टर, अगर 30 पेज चैप्टर है तो आप उसमें सब नहीं पढ़ोगे जब आप एंट्रेंस से पढ़ाई कर, राइट? आप पे उसमें से क्या होगा बच्चों, कुछ सेटेड टॉपिक्स पढ़ोगे और उसको बार बार रिवाइज करोगे। ओके तो ये हमारे बच्चों क्या है, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इम्पोर्ट टॉपिक्स के बच्चों, जो आपका जेई में आ चुका है इस बार, मतलब कि लास्ट 5 साल के पेपर, ये अटेम्प्ट दिख रहा होगा, ठीक है ना? अब देख बच्चों, जैसे आप देख पा रहोगे कि ये आपका सम बेसिक कौन सा क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप देखो बच्चों, ये पार्ट देखो, ये पूरा पार्ट, ये क्या बच्चों, ये आपका 5 इम्पोर्ट टॉपिक्स जो से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? अब देखो बच्चों, जैसे अगर यहाँ पे लिखा है सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट कब आया था बच्चों, कब किससे पूछा गया था? 2021 से पूछा गया था, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, फिर 22 में 1 क्वेश्चन आया, है ना? तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है बच्चों, कि आपको ये समझ में आ रहा है कि इतना जब हम टॉपिक को रिवाइज करें, चैप्टर रिवाइज करें, तो आपको ना ये सारे टॉपिक्स आपको प्रॉपरली पढ़ना है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बार के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के बारे में, देन आपका सीन फिगर्स के बारे में। तो बेसिकली बच्चों, मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आता है बच्चों, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका ये दो टर्म से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, और रियल पार्ट से, कंसंट्रेशन पार्ट से। दिख रहा है बच्चों? हाँ या ना? है ना बच्चों? यस सर, ओके यस फाइन, सर, यस सर, ओके सर। ओके। अब मुझे मुझे बताओ, देखो बच्चों, आप सबसे पहले मुझे बताओ कि आपको पता है कि जेई एग्जाम कितने मार्क्स का होता है? सही बच्चों, पता है कि नहीं पता है? नो सर, नहीं पता है। नो सर, नो आइडिया। ओके थ्री 300 सर। ओके। अब यहाँ पे देखो बच्चों, मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ, क्योंकि आपको पहला क्लास है तो मैं आपको उसके बता रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि आप प्लस वन में हो, राइट? ओके। अब ये बच्चों, जब हम बात करते हैं जेई एग्जाम के बारे में, है ना, तो जेई एग्जाम में क्या आएगा बच्चों, आपको बोलोगे, आप ये बोलोगे जो पेपर है आपका होता है वो होता है आपका 300 मार्क्स, वो आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है। ओके तो बेसिक आइडिया क्या होता है बच्चों, अगर आप जनरली कितना आता है बच्चों, अगर आपके कारण 100 मार्क्स लेके आते हो तो आप आराम से उस मार्क्स क्वालिफाई कर लेते हो। लेकिन सिंपल सी बात है कि जो आपका 100 मार्क्स है वहां पे आप खाली क्वालिफाई करोगे, है ना? ये मैं आपको जनरल कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो अगर आपको एक अच्छा इंजीनियरिंग में जाना है बच्चों, तो आपको मार्क्स और ज्यादा लेके आना पड़ेगा। और आप ये भी ध्यान रखें बच्चों, आप ये भी ध्यान रखना कि जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चा, उसका डिफिकल्ट लेवल कैसा होता है बच्चों, वो मोस्टली होता है मॉडरेट टू हार्ड लेवल। ये मॉडरेट टू हार्ड मतलब क्या बच्चों, आपको थोड़ा माइंड लगना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन हार्ड आएगा। देखो तो जैसे हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री बारे में एंड मैथमेटिक्स के बारे में, तो होता है क्या बच्चों, देखो क्वेश्चन पूछे जाते 30, सब में से आपका 30 30 क्वेश्चन आएंगे, सब में आपको 30 30 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो इसमें क्या हो बच्चों, होगा 30 क्वेश्चन, क्या होगा बच्चों, कैसे होगा, 20 क्वेश्चन होंगे आपके एमसीक्यू टाइप के। कैसे होगा बच्चों, ये आपके एमसीक्यूज वाले होंगे, मतलब कि अगर अगर क्या होगा बच्चों, अगर राइट हुआ तो 4 मार्क्स मिलेगा, अगर आपका क्वेश्चन राइट हुआ तो कितना होगा बच्चों, 4 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत हो गया बच्चों कितना होगा, ये आपका माइनस वन जाएगा, ठीक है बच्चों? इतना पर्सन में आ रहा है सारे बच्चों लोग को? डन बच्चों, थम्सअप। हाँ ओके ओके फाइन। हाँ तो 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना, एमसीक्यू पार्ट आता है। अब टोटल कितना बच्चों, टोटल आपका 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब क्या बच्चों, कैसा आएगा, जो आपका 10 क्वेश्चन और है बच्चों, कैसा बच्चों, उसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल, दैट इज एनएटी टाइप क्वेश्चन, मतलब क्या बच्चों, आपको ना उस वहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, और जो भी आपका आंसर आएगा आपको वहां पे सबमिट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, ठीक है? जैसे मान के चलो आपने क्वेश्चन किया, जैसे आपने मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, आपको बोला कि इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कितना नंबर ऑफ मोल्स आया, तो मान के चलो आपका आंसर आया 7, तो आपको जो 7 आपको है ना वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, किसमें बच्चों, वो उसके पेपर के अंदर, वो जो आपका कीवर्ड ब्लैंक होगा वहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा,
तो इसलिए बच्चा आप बोल रहा हूँ आपका टेस्ट देना बहुत जरूरी है और विद अनुश्री देना भी जरूरी है कि एटलीस्ट आपको ये पता चले कि आपको आपको ये पता चलना चाहिए कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है उस टाइम के बीच में। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। ओके, तो 10 मिनट ही होता है बच्चों, लेकिन आपको 10 में से 10 नहीं करने, आपको 10 में से केवल आपके खाली 5, आपको 5 मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो, 5 मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हो इससे बच्चों, एनी टाइप क्वेश्चन में। तो आपने टोटल क्वेश्चन कितने कर लिया बच्चों, ये कर लिया आपने 25, ये आपने 25 क्वेश्चन कर लिया। और मांग के चल बच्चों कि जो आपका एनी टाइप क्वेश्चन है उसमें बच्चों कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। नेगेटिव मार्किंग कहाँ पे होता है बच्चों, सिर्फ आपका जो एमसीक्यू पार्ट है सिर्फ उसी पार्ट में आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, और जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है बच्चों वहां पे आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। इतना समझ पा रहे बच्चों? हाँ या ना? यस सर। तो इससे आप क्या पता चला बच्चों, इससे ये पता चला कि आपको ना पांचों के पांचों न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने, चाहे आपको आंसर आ रहा है या चाहे नहीं आ रहा है, ठीक है ना, जिससे क्या होगा बच्चों आपका मार्क्स बढ़ने चांस ज्यादा हो जाएगा। तो जहां पर नेगेटिव नहीं है उसको तो अटेंड करना ही करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कर देना है, आपको प्रॉपरली फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। ओके, तो कितना बच्चों, फिजिक्स में आपको आपको 25 क्वेश्चन करना पड़ेगा, देन आपको केमिस्ट्री में भी सेम ऐसे 25 क्वेश्चन करना पड़ेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन 25 है, मैक्सिमम 25 कर सकते हो, और मैथ्स में आपको 25 क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो ठीक है ना, और क्या बच्चों, एक क्वेश्चन 4 मार्क का, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 100 मार्क का आ गया, है ना, ये आपका 100 मार्क्स का आ गया। ओके, तो ऐसे आपको प्रॉपरली समझना है। क्या बच्चों, ये आपका जेई मार्क्स के बारे में। अगर मैं बात करूं कि कट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स और कट ऑफ का अभी का जो लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, इस तरह का क्या ट्रेंड रहा बच्चों, जैसे हमने आपको रिजल्ट बताया था बच्चों, हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि आपको जो 300 मार्क है, 300 में से अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है बच्चों, सपोज कर मैं बता रहा हूँ, तो उसका उसका मैक्सिमम कितना के मार्क्स गया बच्चों, उसका मैक्सिमम मार्क्स गया 90 से 95 मार्क्स। अगर आप इतना मार्क्स लेके आ जाओ तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको इंजीनियरिंग और आपको एमएससी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप एनआईटी एमएससी भी कर सकते हो, ये भी मैंने बताया। ठीक है, ओके, देन आपके हम फिर बात करते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो यहाँ पे क्या बच्चों, आप समझो यहाँ से आपका और 5-6-10 मार्क कम हो जाए, हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, आप सोचो अराउंड 70 से, या फिर आप बोलोगे 80 से 85 मार्क्स हो जाए आपका कट ऑफ हो जाएगा जनरल ईडब्ल्यूएस के बारे में। देन हम क्या बात करते हैं बच्चों, देन हम बात करते हैं किसके बारे में, ओबीसी के बारे में। ओके, तो वहां पे कट ऑफ क्या रेंज करता है बच्चों, वो आपका रेंज करता है 70 से 75, मतलब क्या आपका 75 का आपका रेंज आपको दिख रहा है। फिर हम बात करते हैं जब हम एससी कैटेगरी बात करते हैं बच्चों, तो वहां पे क्या आ जाता है बच्चों, वहां पे आपको मार्क्स आएगा कितना आएगा बच्चों, अराउंड 60 से 60 प्लस जाना पड़ेगा, और आपका स्ट्रिक्टली क्या बच्चों, इसको आपको 50 प्लस मार्क आपको जाना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, ये आपको मैंने 300 मार्क्स में से आपको मार्क्स वाइज बता दिया कि आपके कितने मार्क्स में कितना आपको बन जाएगा। अब ये मान के चलो कोई बच्चा आ रहा है आपका ओबीसी के अंदर, कोई बच्चा ओबीसी के अंदर मान के चलो आ रहा है बच्चों, अगर आपने 70 मार्क्स लेके आ गए तो क्या बने बच्चों, उसका परसेंटाइल बनता है, परसेंटाइल रैंक बनता है, तो आपका परसेंटाइल से आपको कट ऑफ आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मोटा मोटी बात क्या बच्चों, अगर आप इतना मार्क्स लेंगे तो आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। तो यहाँ पे समझने बात क्या बच्चों, इतने मार्क्स में आप सिर्फ क्वालिफाई ही हो पाओगे और एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला है ना, और एक्स्ट्रा आपका नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, आपको एम क्या रखना बच्चों, आपको हमेशा अपना जो कट ऑफ मार्क्स है उससे आपका 40 मार्क्स ज्यादा ही एम रखना पड़ेगा, तब जाके क्या हो जाएगा बच्चों, आपका मार्क्स अच्छा कॉलेज मिलेगा और आपको अच्छा ब्रांच मिलेगा। तो बेसिकली आपके फर्स्ट थॉट, जो आपके पहले माइंड आपको क्या होना चाहिए बच्चों, जो आपका होम स्टेट को जो एनआईटी है आपके अंदर, सबसे पहले वो आप पता ना हो, दैट इज एनआईटी हमीरपुर आपका सबसे मेन प्लेटफॉर्म होना चाहिए फ्रॉम जेई मेंस। फिर जो बच्चा जेई मेंस क्वालिफाई करता है फिर हम उसको उसको एक महीने बाद फिर आपका जेई एडवांस को कोचिंग कराते हैं। ओके, क्लियर मेट ओबीसी वाला। ओके, अब मान के चलो ओबीसी, ये क्या बच्चों, ये आपका ओबीसी कट ऑफ मार्क्स है, ये आपका ओबीसी का कट ऑफ मार्क्स है, अगर इतना मार्क्स लेके आते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप जेई एडवांस से बैठने के लिए, है ना। फिर आपका जेई एडवांस आपका दो दो पेपर होता है सबका, तो आपको सबका पेपर निकालना पड़ता है, और किसी पेपर में आपको आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करना, तब जाके बच्चा आप क्वालिफाई हो गए और आपको कोई आईआईटी मिलेगा। ये बात है बच्चों। तो सिंपल सी बात के बच्चे देखो, सिंपल सी बात ये है, मान के चलो आपने आपके केमिस्ट्री, मान के चलो आपने आपका जो केमिस्ट्री बच्चों, आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा केमिस्ट्री, मान के चलो आपने 25 में से 20 क्वेश्चंस को
सवाल राइट कर दें, कितना मार्क्स है बच्चों, यहाँ से आ गया आपका 80 मार्क्स, है ना, 80 मार्क्स आ गया। मान के चलो किसी बच्चों को फिजिक्स थोड़ा वीक है, उसने क्या किया 25 में सिखा लेके, उसने 25 में सिखा लिया, उसने करे पांच क्वेश्चन सही किए, तो पांच क्वेश्चन मतलब कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 20 मार्क्स। फिर हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में, तो मैथ्स में क्या होगा बच्चों, कैसे होगा 25 में मार्क्स बच्चे ने किया, 10 क्वेश्चन सही किया, तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 40 मार्क्स। अब इसको काउंट कर लो कितना हो गया, ये आ गया 140, तो आपका 140 मार्क्स में तो आपका जो परसेंटेज मार्क्स है बता कितना होगा, ये आपका 98 के प्लस होगा, 98 99 के आसपास होगा। अक्षय बेटा आप माइक ऑफ कर लो बच्चा, तो 140 मार्क्स से बहुत ज्यादा जाएगा। तो देखो बच्चों सबसे पहले आपका मेन टारगेट क्या है बच्चों, आपको ये पता चलना चाहिए कि मेरा मेन सब्जेक्ट गोल क्या है, कि मैं उसमें बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, क्या मेरा फिजिक्स है, क्या मेरा मैथमेटिक्स है, या मेरा केमिस्ट्री है, तो ये आपको डिसाइड करना है। जैसे आपने ये डिसाइड कर लिया तो गारंटी बोल रहा बच्चों आपका आराम से मार्क्स बैठ जाए, कोई डिफिकल्ट नहीं, आपको बहुत इजी लगेगा क्वालिफाई करना। लेकिन हाँ आपको माइंड में प्रॉपर पहले अभी से प्लानिंग करना है कि मुझे इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, अभी से प्लानिंग करो। जैसे मैंने आपको ये बताया, देखो जैसे मैंने आपको ये बताया, अगर मैं सम बेसिक पढ़ रहा हूँ, सम बेसिक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ बच्चों, तो आपको क्या होना चाहिए बच्चों, आपको मोर कॉन्सेप्ट परफेक्ट आना चाहिए, देन आपको कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या, देखो इतना, देखो यहाँ पे इतना सारा क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो तो इस साल कहाँ पे आया क्वेश्चन आया बच्चों, इस साल क्वेश्चन आपको कंसंट्रेशन आया है ना, देखो कंसंट्रेशन आया, मोर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, और आपका ये आपका केमिकल इक्वेशन से क्वेश्चन है, तो तीन इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से आए। तो देखो बच्चों आपको अभी से पता चल जाना चाहिए एक कौन सा टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और मेरा काम क्या होगा बच्चों, मेरा काम क्या होगा, आपका कोई भी पहला क्लास होगा, आपका कभी भी चैप्टर का पहला क्लास हो, क्या होगा बच्चों, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा उस चैप्टर का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे पहले मैं आपको उस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, देन मैं आपको एनसीईआरटी, जो आपका एनसीईआरटी है बैक साइड होता है, उसका पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा फर्स्ट क्लास के अंदर ही। देन मैं आपको एग्जाम्पलर, है ना, एग्जाम्पलर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पलर का भी सोल्यूशन करूंगा। एग्जाम्पलर क्या बच्चों, जो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, जो आपका एनसीईआरटी की वेबसाइट में है, उसका मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। देन मैं आपको जेडब्ल्यू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ, तो ये मेरा पहला काम होगा बच्चों जब आपका क्लास स्टार्ट होता है। आगे से आपको सिंपल सा ब्रीफिंग पता चल गया होगा कि आपको एग्जाम में किस टाइप से आपको प्रॉपरली असाइन करना है। आ रहे बच्चे सबको अच्छे से? हाँ, अब यहाँ पे अगर किसी बच्चों डाउट है मार्क्स को लेकर, इम्पोर्ट टॉपिक से लेकर, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी आप अपना माइक ओपन कर सकते हो और हैंड रेस करो जिससे कुछ पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं। जिससे क्या होगा बच्चों, एक हम वन टू वन कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो हम एक प्रॉपर वे से जा सकते हैं। हाँ, किसी को पूछना बच्चा तो पूछ सकते हैं, कमॉन विश्व, सादिल, राकेश, अतुल, किसी कुछ पूछ सकते हो सर, जेईई मेंस के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? ओके, ये भी एक बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन है, है ना। अब देखो, अब होता क्या बच्चों, जब हम एनआईटीज की बात करते हैं या फिर आईआईटीज की बात करते हैं बच्चों, तो वहां पे उन्होंने क्या बोला है, वो उन्होंने ये बोला है कि अगर आपको एनआईटी कॉलेज में जाना है तो आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब आपका जो बोर्ड में है, बोर्ड में आपको है ना 75% रखना होना चाहिए, किसमें होना चाहिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में होना ही चाहिए, ये आपका जनरल और ओबीसी के लिए। तो हम बात करते हैं एससी एसटी के बारे में, तो क्या बोला बच्चों, ये बोला गया है अगर आपका परसेंटेज, अगर आपका जो परसेंटेज है अगर वो 70 प्लस है, तभी क्या हो बच्चों, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तभी आपके बच्चों तभी आपका एनआईटी में एडमिशन होगा। तो आपको है ना एंट्रेंस तो पढ़ना पड़ना है, लेकिन आपको ये भी ख्याल रखना बच्चों कि आपका इतना मार्क्स बने, इतना आपका परसेंटेज बनना ही चाहिए, ठीक है ना। देखो हमारे जैसे गुजरात की बात करो, है ना, गुजरात की बात करो, तो मैं गुजरात में बच्चा, तो गुजरात में ना आपका वहाँ पे परसेंटाइल रैंक आता है, मतलब कि अगर देखो अगर आप है ना 80% ऊपर हो, मतलब देखो अगर आपका जो परसेंट मार्क्स अगर वो आपका 80 प्लस है, 80% रैंक का, देखो परसेंटेज अलग होता है, परसेंटाइल रैंक अलग होता है। अब जैसे मांग के चलो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि अतुल है, मांग के चलो अतुल है, अतुल का आ रहा परसेंटाइल 95% रैंक आया, इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब ये है कि अतुल जो है 95% बच्चों से आगे हैं, परसेंटाइल रैंक का मतलब वो होता है बच्चों, इतना बात समझ पाया बच्चों, परसेंटाइल मतलब क्या होता है बच्चों, कि आप कितने परसेंट बच्चों से आगे हो एक्चुअली में, वो आपका परसेंटाइल रैंक बताता है। अब देखो जैसे मैंने आपको ये बोला, अगर आपका 140 मार्क्स आता है
तो आपको जो JEE ना, JEE में आपको 140 मार्क्स नहीं दिखाएगा, वहां पे आपको क्या दिखेगा बच्चों, आपको ये दिखाएगा दैट इज 98% ऐसा दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या बच्चों, आप ऑलरेडी 98% बच्चों से आगे हो। तो वो क्या दिखा रहा बच्चों, वो आपका परसेंटाइल रैंक बता रहा। तो आपको जो JEE का जो स्कोर कार्ड मिले बच्चों, वहां पे आपका परसेंटाइल रैंक होगा, मार्क्स अलग होता है और आपका परसेंटाइल रैंक अलग होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ अतुल बच्चा, आप हैंड, आपने हैंड रेज किया तो कुछ पूछना बच्चा बोलिए। सर जो ये परसेंटेज की बात हो रही थी सर, ये प्लस वन और प्लस टू में दोनों में चाहिए? नहीं, प्लस टू में चाहिए, ओनली प्लस टू। ये खाली प्लस टू में ही चाहिए, ये खाली आपका प्लस टू वाला पार्ट है। खाली आपको प्लस टू, हाँ ये आपको प्लस टू होना चाहिए। लेकिन आपके कुछ स्टेट है ना अलग अलग वेरिएशन देते हैं मोस्टली, है ना। अब देखो बच्चों, मैं आपको NIT हमीरपुर के बारे में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज होता है बच्चों जब आप कॉलेज में एडमिशन कराओगे ना, तो आपका दो कैटेगरी होता, एक कोटा होता है, एक होता है होम स्टेट कोटा, एक होता है अदर स्टेट कोटा। तो जिस स्टेट में आपका NIT है तो वहां से कौन बच्चों, वहां से आपका 50% बच्चे होने ही चाहिए, ये क्राइटेरिया है, है ना। तो इससे क्या हो बच्चों, आप अगर आप JEE मेंस क्वालिफाई करते हो तो आपका मैक्सिमम चांस कहाँ पे जाता है बच्चों, वहां पे आपका NIT हमीरपुर पे जाता है। और देखो बच्चों, अगर आप देखोगे ना जो आपका NIT हमीरपुर है, अगर आप देखोगे सोलिस तो वो अभी अभी आया, लेकिन उसने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, उनका स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है ना। देखो मैं NIT के था बच्चों, तो मैं NIT सूरत से खेलने गया था, स्पोर्ट खेलने गए थे हम सारे बच्चे। तो NIT ग्रुप ने 20 बच्चे आए थे, लेकिन 20 बच्चों ने इतना अच्छा स्पोर्ट्स किया और बहुत अच्छा, और सबसे ज्यादा मेडल टैली उनके पास था। तो स्पोर्ट्स में भी एंड इवन आपका जो कैरिकुलम में भी आपका NIT हमीरपुर बहुत आगे बढ़ रहा है। इवन जो प्लेसमेंट्स होते हैं वहाँ पर, जो अभी प्लेसमेंट्स होते हैं बच्चों इंजीनियरिंग की बात करो तो बहुत अच्छे प्लेसमेंट, मतलब क्या आपका एवरेज पैकेज आपका 8 to 9 lakh या 10 lakh तक जा रहा है। तो सोचो 10 lakh अगर आपका अभी का एवरेज पैकेज है, तो सोचो आज के 5 साल बाद क्या होगा। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली ना। तो देखो अगर आप, सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो अगर अभी अगर ये प्लेसमेंट रेट चल रहा है, तो अगर आज से 5 साल बाद या 6 साल बाद, क्योंकि आप 12 दोगे, JEE दोगे एंड विद इन आपका 4 साल का इंजीनियरिंग होगा। अब देखो इंजीनियरिंग के अंदर बात क्या है बच्चों, आपको और अपॉर्चुनिटी खुल जाता है बच्चों, आप साइंटिस्ट बन सकते हो। जैसे विश्व मुझे पूछा साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, तो वो सब मैंने आपको बताया था, आपको गेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो ये सब सब उसके साथ साथ आ जाता है। तो कहने की बात के बच्चों, आपका एक अच्छा कॉलेज आपको एक अच्छा ग्रिप बनाएगा कि आपको कैसे उसको ग्रो करना, आगे करना है। तो ये क्या बच्चों, ये मैं आपको कॉलेज के बारे में, ये मैंने आपको कॉलेज के बारे में बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता दिया, और आपका JEE मेंस का पैटर्न बता दिया, और ये पैटर्न आपका फॉलो होते जा रहा है। ठीक है बच्चों, देखो अगेन बोल रहा बच्चों, जब मैंने दिया था उस टाइम बच्चों क्या था बच्चों, उस टाइम आपका 360 मार्क का एग्जाम था, और कट ऑफ कितना था बच्चों उस टाइम का, उस टाइम कट ऑफ था 105, उस टाइम कट ऑफ था। सोचो अभी कैसा, अभी तो उस टाइम तो ऑफलाइन पेपर होता है, अभी तो ऑनलाइन पेपर होते हैं, है ना। तो ऑनलाइन पेपर क्या होता है बच्चों, ऑलवेज जो कट ऑफ है बच्चों वो ऑलवेज आपका 100 से नीचे ही रहता, हमेशा रहता है फॉर ऑल कैटेगरीज। तो देखो आपको ये कट ऑफ का वैसे सोचना बच्चों, आपको ये सोचना है कि मेरा इतना, देखो मेरा इतना दैट इज 130 से लेकर 130 प्लस किस जाएगा, और आपका 130 प्लस चला गया तो शॉर्ट शॉर्ट हो जाए बच्चों कि आपको एक अच्छा ब्रांच तो मिलने ही वाला है, गारंटी मिलने वाला है। तो ये क्या बच्चों, ये आपका JEE मेंस के पूरे बारे में। अभी भी कुछ कुछ बच्चे सवाल हो तो, हाँ सर कट ऑफ का मीनिंग क्या है, कट ऑफ मतलब क्या बच्चों, कट ऑफ वो बच्चों, कट ऑफ मतलब वो होता है कि वो लास्ट मार्क्स है आपको उस कॉलेज में आपको मिलने का। जैसे मांग के चलो अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका जनरल कट ऑफ कितना बच्चों, ये आपका 18 मार्क्स आपका जनरल कट ऑफ है, मतलब क्या बच्चों ये आपका मिनिमम मार्क्स है जो आपका एक जन बच्चे ने निकाला, वो आपका लास्ट मार्क्स होगा, और उसके ऊपर क्या बच्चों आपके और बच्चे हैं जो आपके कट ऑफ के ऊपर। तो आपको हमेशा बच्चों कट ऑफ के ऊपर सोचना है, और आपने कट ऑफ से तो आपको गारंटी आपका मार्क्स आराम से आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो आपको ऑल रेंट, मैंने क्या बोला बच्चों, आपको हमेशा ना इस ये नंबर आपको प्रॉपर पता, ये नंबर के बारे में आपको ज्यादा सोचना, ये नंबर एंड ये नंबर के बारे में पता होना चाहिए। इतना हो गया तो मैं गेंद बोलता हूँ, आराम से क्वेश्चन को बना लोगे। ठीक है बच्चा, सर बस समझ गए, ओके ना। हाँ तो देखो बच्चों, हाँ तो बच्चों देखो अगेन मैं वो बोल रहा हूँ, देखो आपको है ना नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अब ऐसे मांग के चलो कि एक, अगर मांग के चलो मैं हूँ, मैं पीयू से उठी ना, अब क्या हुआ बच्चों, मैंने 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और मैं तुक्का मारा, क्या बच्चों एक सही हो गया और आपका दो क्वेश्चन गलत हो गया। तो क्या बच्चों यहाँ से मिला 4 मार्क्स, अब क्या हो बच्चों यहाँ माइनस वन, यहाँ माइनस, तो ओवर कितना बच्चों ये हो गया आपका प्लस टू। तो ये आपको समझना है कि आपको नेगेटिव वाली कम कर, देखो
नेगेटिव से क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, एक तो वो मार्क्स भी गया, चार मार्क्स तो क्या गया, ऊपर से आपका माइनस वन भी होता, आप टोटल सोचो आपका पांच मार्क का लॉस हो रहा है एक क्वेश्चन गलत होने से, एक तो वो मार्क्स भी चला गया और आपका माइनस मार्क माइनस वन भी हुआ। तो ये सोचो बच्चों ये आपका कितना बड़ा ये चीज है। तो बच्चों देखो सिंपल से अगेन मैं बोलूंगा, अगेन मैं बार बार ये सिर्फ देखो ये सिर्फ मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये आपका पहला क्लास है तो मैंने आपको प्रॉपरली समझाया कि यहाँ पे हम किसके बारे में बात करें। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है, नीट बच्चा नीट देखो नीट का तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन नीट का क्या होता बच्चों, आपको हमेशा नीट में आपका 550 प्लस स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको एमबीबीएस जाना है तो, फॉर ऑल कैटेगरीज चाहे वो एससी हो। देखो नीट में आपका कट ऑफ मतलब कॉम्पिटिशन ज्यादा है और कॉलेज थोड़ा कम है, मतलब अच्छे कॉलेज की बात करूँ तुम्हें तो कम है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे सिंपल सी बात है, आपका हिमाचल प्रदेश में ही ना आपका बहुत आई गेस पांच या छह पांच कॉलेज भी गवर्नमेंट कॉलेज है ना, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो कट ऑफ कितना बच्चों, कट ऑफ मोस्टली आपका आप बोलोगे 600 में आपको एमबीबीएस मिल जाएगा फॉर गियर श्योर, और आप अगर आपको कैटेगरी तो आपको 550 प्लस लेके आना पड़ेगा तभी आपका एडमिशन, अदरवाइज एडमिशन नहीं होगा क्योंकि हाँ ओके ये अल्पा। तो बच्चों नीट की बात तो अलग है बच्चों, बिकॉज ये आप अभी हम खाली जेई देखो, अभी आप जेई के बारे में पढ़े करो बच्चों, जेई आप सबसे मेन फोकस आपको जेई होना चाहिए। और एक बार बच्चों अगर आपने जेई में अच्छा किया बच्चों तो आप है ना डायरेक्ट इंडियन नेवी में जा सकते हो बच्चों। तो इंडियन नेवी में क्या बच्चों वहाँ पे है ना, वहाँ पे वो भी इंजीनियरिंग कराते हैं ऑन द बेस ऑफ जेई, लेकिन वहाँ पे सीट्स बहुत कम होते हैं तो आपको बहुत अच्छा रैंक लेना पड़ेगा आपको ये एल पार्ट के अंदर। क्या बोल रहे हो नितिन, कंप्यूटर पर कैसे होते, ओके कंप्यूटर पर कैसे होते बच्चों, तो होते क्या बच्चों जैसे हाँ जैसे आप हेलो बच्चा हेलो हेलो सबको मेरी आवाज आ रही है ना, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखने के बाद क्या होगा बच्चों, आपको आपको रफ शीट दिया जाएगा, आपको रफ शीट शॉर्ट करना है और जो ऑप्शन दिखे आपको वहाँ पे टिक करना है, बस ऐसे ही होगा सिंपल, इतना डिफिकल्ट नहीं है। जब है ना बच्चों आप है ना हमारा जो पहला टेस्ट होगा बच्चों, आपको पहले टेस्ट में पता चल जाएगा बच्चों कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आपका एक बार में एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, सारे क्वेश्चन नहीं दिखाई देंगे ऐसा है। ओके बच्चों डन, सारे बच्चे ओके बहुत बढ़िया चलो। हाँ सदिन पूछो बच्चा। सर ये जेई के पेपर साल में एक बार ही होते हैं? दो बार सर, दो बार होगा ठीक ना, होगा एक का वो बच्चों, एक आपका जनवरी में होगा और एक आपका हाँ तो ये देखो एक क्या होता है बच्चों, एक आपका जनवरी मंथ में होता है बच्चों, दूसरा आपका होता है आपका अप्रैल मंथ में, दूसरा आपका अप्रैल में होता है बच्चों। तो देखो मान के चलो आपका जनवरी ज्यादा आ गया और अप्रैल में कम आ गया, तो आपका जो जिसमें ज्यादा हो बच्चों वो आपको कैलकुलेट किया जाएगा। तो क्या होगा बच्चों बेस्ट, मतलब की बेस्ट ऑफ टू, दैट इज बेस्ट ऑफ टू में जो जो एग्जाम होगा बच्चों वो आपका रिजल्ट होगा। मान के चलो इसमें कितना है बच्चों, इसमें आ गया आपका 78% आया और यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे आ गया आपका 78.5, तो आपको ये मार्क्स कैलकुलेट होगा बच्चों। एज लिमिट बच्चों कुछ नहीं है, आप ये बोल सकते हो कि होता के बच्चों मोस्टली दो साल के तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आप जब 12th के तो आप उसी रेंज में आ जाओ, तो आपको डरने की बात नहीं, आप एक साल दो साल ड्रॉप करते कोई इशू वाली बात नहीं, कोई इशू नहीं आएगा, कोई इशू नहीं उसमें, एज का कुछ इतना बड़ा फैक्टर नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं कि 5 साल हो जाए 6 साल, ऐसा नहीं है ना, तो वो चीज है। हाँ विश्व बच्चा बोलो। सर नाइजर में एडमिशन लेने के लिए कौन सा टेस्ट देना पड़ता है? NEST ये देना पड़ता है ठीक है ना, NEST देना पड़ता है नाइजर देने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका 5 ईयर MSc प्रोग्राम होता है जैसे मैंने किया था ठीक है बच्चों। तो यहाँ से फिर आपको क्या होता है, आप मोस्टली अगर आप यहाँ पढ़ते हो तो आप पक्का रिसर्च में जाओगे, आप है ना वहाँ पे पक्का रिसर्च में जाओगे। हाँ ये टेस्ट भी आपका एज लिमिट है मोस्टली, देखो दो अटेम्प्ट आपको मिल सकते हैं, एक ही साल ड्रॉप सकते, ज्यादा नहीं ले सकते, एक ही ड्रॉप ज्यादा ड्रॉप एक ही ड्रॉप ले सकते हैं मोस्टली। हाँ तो जब आपने एकदम से बोला मोस्टली एक ही ड्रॉप हो सकता है, उससे ज्यादा ड्रॉप नहीं हो सकता। सर इसका पेपर प्लस टू पास होगा कि अपीयरिंग में भी हो जाएगा? जहां तक मैंने देखा बच्चों अपीयरिंग में आप देख सकते हो, आप है ना अपीयरिंग में ट्राई कर देख सकते हो बच्चों कि हम कैसे एग्जाम है, तो आप देख सकते हो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको आपको एग्जाम देखना है तो आप खाली
क्वेश्चन भर देना तो आप वहां पे एडमिशन हो जाओ, कोई इशू नहीं है, देखने दे सकते, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको अभी से आपको देना देखना पड़ेगा ऐसा, ओके अपीयरिंग के लिए। यस सर। लेकिन हाँ सीट्स बहुत कम होते हैं, सीट्स आपको कम होते हैं, मोस्टली क्या होता है हर ब्रांच में एटलीस्ट 45, हर ब्रांच में आपका 45 सीट्स ही होते हैं बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर। और हाँ ये जो आपका NEST एग्जाम है जो नाइजर के होता है, इसमें आपको बायोलॉजी भी आनी चाहिए, थोड़ा आपको बायोलॉजी पढ़ना चाहिए तभी होगा, थोड़ा बायोलॉजी भी आता है उसके अंदर। ओके और कोई सवाल मेरे प्यारे बच्चों? आई गेस मैंने आपको सारे क्वेश्चन दे दिए, और किसी को सवाल है बच्चा? पूछो बच्चा पूछो, दो आपके मैंने जो भी डाउट से पूछ सकते हो, क्योंकि देखो ये हम बार बार डिसीजन देखो, तो बार बार हमको ऑब्वियसली हमको चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो आज का टॉपिक क्या बच्चों? आज हम मैटेरियल बारे पढ़ेंगे, फिर आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, और आपका मोस्टली जो बेसिक टर्म्स है हम आज उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है बच्चा? डन। हेलो हेलो बोलो बच्चा। यस सर। ओके यस सर। तो अभी भी कुछ डाउट है तो आप अभी, अगर अभी भी आपको कुछ जेई के बारे में कुछ डाउट है बच्चा, तो प्लीज आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है ना? दो तीन मिनट देख लो बच्चों, कुछ बेसिक से भी डाउट तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको NIT बेस्ट है IIT, देखो IIT में फीस ज्यादा है, IIT में नंबर बेटा फीस बहुत ज्यादा होता है, IIT में फीस बहुत ज्यादा होता है, NIT में कंपैरिजन थोड़ा फीस थोड़ा कम होता है, लेकिन वहाँ पे प्लेसमेंट ज्यादा होता है, बस सिंपल सी बात है। और आप कोई भी IIT में जाओ बच्चों, JEE मेंस आप वो भी आपका भी जहाँ तक मैंने देखा है बच्चे लोग है ना ऑफलाइन टेस्ट भी देते हैं। देखो IIT में क्या होता है बच्चों, तो IIT में क्या आपका फीस बहुत ज्यादा, बस ये बात है, अगर आपको फीस अफोर्ड करो तो बहुत अच्छी बात है, तो वहां पे देखो, नहीं तो फिर आपको है ना एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा, हाँ ये लेना आपको पड़ेगा। और पूछो बच्चा और कोई सवाल? थैंक यू कृति वर्मा, और कोई सवाल? और कोई सवाल? आप चैट बॉक्स से टाइप कर सकते बच्चों, हम कर पाएंगे अच्छे से। ओके तो अभी हमने हाफ एन आवर प्रॉपर इसको डिस्कस किया बच्चों, और जो आपका आधा हाफ हफर हो बच्चों, हम क्या करेंगे, हम चैप्टर के बारे में प्रॉपरली पढ़ाई करेंगे। सर कितना फीस होता है IIT में? आप सोचो कि आपका 4 साल में आपका अराउंड आपका फीस होगा अराउंड 1.7 लाख के आसपास, और हॉस्टल फीस अलग, मेस फीस अलग, तो आप समझो कि आपका 4 साल में कम से कम NDA को, हाँ सबसे मैं IIT के बोल देता बच्चों, आप सोचो कि IIT में कम से कम 4 साल के अंदर मान के चलो कि आराम से आप गेस कर लो कि आपका 10 to 14 lakhs खत्म हो जाएगा, 10 से हाँ 10 to 12 lakhs खत्म हो जाएगा, ऐसा है ये चीज। ओके तो ये सब क्या बच्चों, ये सब आपका एग्जाम होता है। और कुछ बच्चा? और आइजर के बारे में कुछ पूछना तो पूछ सकते बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं, बस एक मिनट के बारे में, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास क्लास है ना बच्चों, आपका 11 में लगेगा और आपका 12 में लगेगा। अब देखो जो बच्चा रेगुलरली पढ़ाई कर रहा है, जो बच्चा रेगुलरली प्रॉपरली पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना बच्चों, जो बच्चा रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, अटेंडेंस को प्रॉपर ट्रैक है, उनका क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट सेशन होगा 12th के अंदर, सिंपल सी बात है बच्चा, ये बात है, ठीक है बच्चों, डन। जेई एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, जेई एग्जाम जो होगा आपको ऑनलाइन होता है। दूसरे को बच्चों एक मैसेज मैं देख रहा हूं, और क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन बच्चा और क्वेश्चन क्या था? जेई एडवांस के बारे में, हाँ तो वो भी बच्चा, वो भी आपका ऑनलाइन टेस्ट ही होता है। आइजर व्हाट इज नाइजर? ओके आइजर से क्या बच्चों, ये आपका स्कूल से जो आपको बेसिक साइंस कराता है, जैसे आपने फिजिक्स है तो आपने फिजिक्स से MSc करना हुआ, आपको रिसर्च में जाना, तो आप सोचो कि अगर आप आइजर या नाइजर जॉइन करते हो बच्चों, तो आप सोचो आप है ना साइंटिफिक कम्युनिटी में चले जाओगे, आप है ना एक साइंटिस्ट बनकर निकलोगे वहां से। वहाँ पे क्या होता है बच्चों, अगर समझो सिंपल सी बात है, वहाँ पे क्या होता है बच्चों, वहाँ पे आपका MSc होता है, वो भी कैसे बच्चों, 5 ईयर वाला का है, 5 ईयर इसमें बच्चों आइजर नाइजर में। और आइजर कितना बच्चों,
आइजर्स हैं आपका, टोटल 7 आइजर्स हैं और आपका एक नाइजर है, ऐसा। डन। ओके, टाइम टेबल आपको अभी शेयर कर दूंगा बच्चों, अभी मैं आपको क्लास में शेयर कर दूंगा सर। एसटी वालों को कितना फीस होती है? हाँ, जो आपके एससी एसटी बच्चे बच्चों उनके बच्चों उनका जो ट्यूशन फीस है, उनका जो ट्यूशन फीस है वो क्या था बच्चों, वो आपका जीरो होता है। एससी एसटी वाले के बच्चों एनआईटीज आईआईटीज में कोई ट्यूशन फीस देने की जरूरत नहीं होती। एनडीए, ओके, एनडीए के बाद क्या होता है बच्चों, वो आपका 720 मार्क्स का एग्जाम होता है। यहाँ पे आपको ना टोटल आपका अराउंड आप सोचो 1100 से ले सॉरी 1700 से 1600 बच्चे लोग का आपको इंटरव्यू बुलाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई करते बच्चों, नहीं अराउंड 5000, अराउंड 5000 बच्चे को एग्जाम से क्वालिफाई करते हैं। फिर आपका पांच दिन का मेडिकल टेस्ट होगा, आपका क्वेश्चन किसी नहीं पूछेंगे, और आपका ग्राउंड सोचो कि आप सोचो 1400 से लेकर 1500 बच्चे को सिलेक्ट करते हैं। और उनका ट्रेनिंग क्या होता है, उनका होता ट्रेनिंग होता है पुणे में खादर गौसम का ट्रेनिंग होता है ऐसा। और आपको पहले साल से आपको एक अमाउंट आपको मिला, हर महीने आपको सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगी वहां पर। और बता बच्चों, कम ऑन, ओके, और कुछ डाउट बच्चों? और हाँ, अगेन बोलो बच्चों, एससी एसटी बच्चों लोग का एनआईटीज आईआईटीज आइजर्स नाइजर में आपका ट्यूशन फीस नहीं होती, जीरो ट्यूशन फीस होगा, लेकिन उनका दूसरा चार्ज होगा, जैसे मेस फी हो गया, लाइब्रेरी फीस हो गया, है ना, आपका गेम्स फीस हो गया, एनआईटी फीस सब जो बच्चों आईआईटी से थोड़ा कम होता है। जैसे मान के चलो आप सोचो कि आपका एनआईटी में फीस होगा अराउंड 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास इंजीनियरिंग की बात करो तो 1 लाख, या किसी किसी में आपको अराउंड 70,000 भी होता है, ये भी होता है। एनडीए में कितना मार्क्स होते हैं? एनडीए में बच्चा आपका मार्क्स ये होते हैं अराउंड 450 मार्क्स, 700, अगर 720 में से आपको 450 मार्क्स लेके आना पड़ता है। नहीं नहीं मंथली नहीं, ईयरली, ईयरली फीस होता है बच्चों, एनआईटीस में ना आपका ईयरली फीस था। ओके ऐसा, ठीक है। तो ये बच्चों, ये तो हमने बात की, ठीक है ना बच्चों। अब देखो, अब हम बात करते हैं आपके क्लास के बारे में। हाँ, किसने हैंड रेस किया था? लास्ट क्वेश्चन बच्चा, लास्ट क्वेश्चन किसी को पूछना है? फाइन, हो गया। अब देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं क्लासेस के बारे में। तो आज मैं आपको बेसिक सब पढ़ाऊंगा बच्चों, देन कल क्लास में आपको ना प्रिसाइज वो सब के बारे में पढ़ाई करेंगे। अब देखो, अब क्लास के बारे में बात करते हैं। देखो, जैसे आपको दिख रहा होगा बच्चों क्लासिफिकेशन मैटर के बारे में, यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन मैटर के बारे में दिख रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए बच्चों मैटर क्या होता है। तो आपने बचपन में बच्चों पढ़ा होगा मैटर क्या होता है बच्चों। तो आप क्या बोलते हो बच्चों, आप ये बोलते हो ऐसा कोई भी वस्तु जो क्या क्या होता है बच्चों, उसमें क्या होगा, उसमें मास होगा और क्या करे बच्चे करे बच्चों, वो आपका क्या करेगा, वो आपका स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, वो आपका स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, हम उसको मैटर करते हैं। तो बेसिकली बच्चों क्या होता है, हम यहाँ पे दो टाइप क्लास में देखते हैं बच्चों। एक क्या देखते हो, एक होता है बच्चों, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल तीन पार्ट होते हैं बच्चों, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और दो भी होते हैं बच्चों। कौन सा बच्चों, आप ही तो आपका कहता है, आपका टोटल 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, फोर्थ कौन सा होता है बच्चों, फोर्थ कौन सा होता है बच्चों, प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा होता है। और फिफ्थ कौन सा होता है, बोस आइंस्टाइन है ना, बोस आइंस्टाइन बोलते हैं बच्चों। हाँ, बोस आइंस्टाइन बोलते हैं, या तो बच्चे बोलते हैं, या तो हम उसे बोलते हैं सुपर बोन आइंस्टाइन कंडेंसेट, या तो सुपर सिंगल एट, सुपर सिंगल एटम भी हम उसे कहते हैं कभी कभी। तो बेसिकली आपको ना बोस आइंस्टाइन हम मोस्टली प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका फाइव स्टेट ऑफ मैटर होता है। अब देख बच्चों, अब हम जब सॉलिड लिक्विड के बारे में बात करते हैं बच्चों, ये आपको पहले से पता होगा, इतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक तो है नहीं वाला पार्ट। लेकिन जो इसका कन्वर्जन है, अगर मैं बात करता कन्वर्जन कि जो कन्वर्जन हो रहा है बच्चों, वो कन्वर्जन आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। कन्वर्जन क्या है बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपका को मॉलिक्यूल सॉलिड से कहाँ जा रहा है बच्चों, आपका जा रहा है लिक्विड बन रहा है, तो इससे क्या कहेंगे बच्चों, इससे कहते हैं, इससे हम कहते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, हम इससे कहेंगे मेल्टिंग, मेल्टिंग कहेंगे। फिर हम बात करते हैं लिक्विड से सॉलिड, तो इससे क्या कहेंगे बच्चों, क्या कहते हैं इसको, इससे क्या कहेंगे बच्चों, और आपका लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो क्या कहेंगे बच्चों, इससे क्या बोलेंगे, विषय बोलो शाहिद, आकाश, क्या कहेंगे बच्चों, इससे हम कहेंगे फ्रीजिंग।
है ना, इससे क्या कहेंगे बच्चों, फ्रीजिंग कहेंगे। जैसे एक सिंपल सी बात है, अगर आपका वाटर लिक्विड स्टेट में, तो क्या कर बच्चों, उसको फ्रीज कर दो, तो क्या बन जाए बच्चों, वो आपका सॉलिड स्टेट बन जाएगा। तो ये हमारा पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, और हम बात करते हैं लिक्विड से गैस, तो उससे क्या क्या कहते हैं बच्चों, उससे हम क्या कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, वेपोरेशन, बॉइलिंग, वेपोरेशन कहते हैं, वेपोराइजेशन हम कहते हैं बच्चों। देन हम बात करते हैं गैस से सॉल्ट बनना, मान के चलो गैस है और डायरेक्ट सॉल्ट बन गया, इससे क्या कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों, इससे हम कहते हैं सब्लिमेशन। नहीं बच्चों, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन अलग होता है बच्चों। सब्लिमेशन क्या होता है आपका, सॉलिड से गैस होता है। अगर आपका गैस से सॉल्ट होता है क्या बोलते, डिपोजिशन, इससे हम कहते हैं डिपोजिशन, कंडेंसेशन, इससे हम कहते हैं डिपोजिशन कहते हैं बच्चों, डिपोजिशन। ओके, ये वाला पार्ट। देन हम बात करते, क्या बात करते बच्चों, अब हम बात करते हैं आपका सॉलिड से गैस, वो क्या होगा बच्चों, कैसे होगा वो, होगा सब्लिमेशन। ये होगा आपका सब्लिमेशन, ये होगा आपका सब्लिमेशन। अब इससे एग्जांपल क्या बच्चों, अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपने सुना होगा नेफ्थलीन बॉल के बारे में, आपने सुना होगा आपका नेफ्थलीन बॉल के बारे में, तो देखो जो आपका कीड़ा मकड़ हो जाता है उसमें क्या होता है बच्चों, आपकी मॉम क्या करती है, एक आपका व्हाइट कलर बॉल आता है, आप उसको डाल दो क्या बच्चों, एक आपका स्पेसिफिक टेम्परेचर आएगा, तो क्या होगा बच्चों, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर क्या होगा, वो आपका सॉल्ट क्या होगा, आपका डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम उससे क्या कहेंगे बच्चों, हम उसके सब्लिमेशन कहेंगे बच्चों। इतना पढ़ सकते बच्चों, हाँ है ना, है ना। फिर हम बात करते हैं कंडीशन के बारे में, तो वहां पे क्या होगा, क्या होगा बच्चों, क्या होता है वहां से, होता क्या होता है बच्चों, वहां से आपका गैस से क्या होता है बच्चों, गैस है, उससे क्या कहते हैं, इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये पार्ट के बच्चों, ये आपका पूरा कन्वर्शन पार्ट है। तो जो कन्वर्शन बच्चों, ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, खास कौन सा बच्चों, ये जो आपका डिपोजिशन पार्ट है और आपको जो सब्लिमेशन पार्ट है बच्चों, ये आपको आना चाहिए, ये पता होना चाहिए बच्चों। डन मेरे प्यारे बच्चा, ओके डन, ओके यस यस। तो ये देखो, ये तो आपका बहुत सिंपल फॉर्म था बच्चों। फिर हम बात करते हैं केमिकल, फिर हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन बारे में। तो केमिकल में क्या था बच्चों आपका, क्या होता है, एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस, एक होता है आपका मिक्सचर के बारे में। तो सबसे पहले क्या बात करेंगे बच्चों, प्योर की बात करते हैं। अब देखो प्योर में क्या होता है आपका, दो टाइप क्लास होता है, एक होता है आपका एलिमेंट्स के बारे में, एक होता है आपका कंपाउंड के बारे में। तो एलिमेंट्स के मतलब क्या होगा बच्चों, जैसे मान के चलो अगर मैं लिखता हूँ आपका, लिखता हूँ सिल्वर लिखा मैंने, अगर मैं आपको बोलता गोल्ड है, और अब अगर मैं बोलता आपका कॉपर है, तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका पूरा ही गोल्ड होगा या तो प्यूरा ही कॉपर होगा या सिल्वर होगा। तो इससे क्या कहेंगे, उससे क्या कहेंगे बच्चों, हम उसे कहेंगे आपका प्योर सब्सटेंस कहेंगे। और वो किस में आएगा बच्चों, वो आपका एलिमेंट्स की कैटेगरी में आएगा, वो आपका एलिमेंट्स की कैटेगरी में आएगा बच्चों। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में, तो वहां पे क्या होगा बच्चों, कंपाउंड्स क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ कौन बोले कंपाउंड्स के बारे में, सर व्हिच इज मेड अप ऑफ वन और मोर देन टू एलिमेंट्स। हां एकदम से बोलो बच्चों, जैसे अगर मैं बात करता हूं वाटर के बारे में, अगर मान के चलो वाटर में हमने कुछ मिक्स नहीं किया है, वाटर में कुछ भी मिक्स नहीं किया, तो क्या हो बच्चों, ये आपका प्योर कंपाउंड में आएगा बच्चों। क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ पे आपका 2 मोल आपका हाइड्रोजन है और आपका 1 मोल आपका क्या है ऑक्सीजन बच्चों। तो क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका कंपाउंड में आ जाएगा, ये आपका कंपाउंड्स में आ जाएगा, राइट मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना, यस सर, यस सर। अब देखो देखो आई गेस ये आपने प्रॉब्लम पढ़ा होगा बच्चों, लेकिन आज का बेसिक क्लास है तो बेसिक वाला पार्ट करेंगे। देन आपका देन जो कल जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा बच्चों, हम उसमें आपका मोल कॉन्सेप्ट जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगा, देन मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है बच्चों, ओके। फिर हम बात करते हैं मिक्सचर के बारे में, बात करते हैं बच्चों, तो मिक्सचर में क्या होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, एक होता है आपका होमोजेनियस, एक होता है आपका हेटेरोजेनियस। देखो बच्चों, तो आपको ना एक नॉर्मल कैसे बोलोगे, तो होमोजेनियस क्या होगा बच्चों, कैसे होगा, ये होगा आपका सेम, सेम इसमें आपका सेम होगा, और कैसे बच्चों, ये होगा आपका यूनिफॉर्म, ये आपका होगा यूनिफॉर्म होगा बच्चों, यूनिफॉर्म होगा। अब इसका मतलब क्या बच्चों, जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपके, मैं बोलता हूँ शुगर सॉल्यूशन, आपने क्या बच्चों, आपने पानी के अंदर चीनी को ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा बच्चों, वो आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन, मतलब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, तो क्या बनेगा, वो आपको बने होमोजेनियस बनेगा। फिर हम बात करते हैं हेटेरोजेनियस के बारे में, तो हेटेरोजेनियस मतलब इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अब सिंपल सी बात है, मांग के चलो हमारे पास क्या गौरी है ना, गौरी हमारे आई, हमें अब क्या हुआ, गौरी ने टिफिन लेके आया, तो टिफिन में क्या था बच्चों, आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स थे, एक क्या था बच्चों, एक आपका नमकीन था, एक आपका दाना चना था बच्चों, और मिक्सचर था। तो आपने क्या किया बच्चों, कुछ बच्चे को मिक्सचर अच्छा लगा तो उसको मिक्सचर ले लिया,
इससे बच्चों को आलमंड, उसने आलमंड उठा लिया, तो क्या बच्चों ये कैसा होगा, ये होगा आपका नॉन, ये कैसा होगा बच्चों, ये होगा आपका नॉन, ये कैसा होगा नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कि आपका हम उसको कंपाउंड उसको आपको हम क्या कहते हैं देख के डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, तो कैसा होगा बच्चों, ये होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म। इतना पार्ट सब समझ में आ गया बच्चों, आई गेस सिंपल वाला पार्ट है, इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं, राइट है ना बच्चों? यस सर, यस सर, बबल, यस सर। तो हम क्या बात करते, तो ये हमने प्रॉपरली इसके बारे में पढ़ाई किया। अब देखो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया बच्चों, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम ये पढ़ने वाले हैं, दैट इज अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि जो मैटर है, जो आपका मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं बच्चों, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगा। अब देखो प्रॉपर्टीज मतलब क्या होगा बच्चों, जैसे मैं बोलता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे बोलता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूँ, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, आप क्या बोल सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा बच्चों, कौन बोलना चाहेगा? The particles of matter are very very small. नहीं नहीं physical properties, तो matter तो छोटा ही है, physical properties के बारे में बता रहा हूँ बच्चों, ये क्या होता है, कौन बोलेगा? Sir, which is made up of same element? Physical properties, जैसे मांग के चलो, जैसे मांग के चलो सुजल है ना, जैसे मांग के चलो सुजल है, तो मैंने सुजल देखा नहीं है बच्चों, लेकिन सुजल मुझे बताते हैं कि उनकी हाइट जो है 5 फुट 11 इंच है, और ये बोलते हैं कि वो टॉल हैं, है ना, तो ये क्या बच्चों, वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब क्या बच्चों, हम उनको देख के बता पाएंगे कि उसकी फिजिकल मतलब उसकी हाइट क्या है, है ना, वो पतले की मोटे वो बता पाएंगे, है ना, तो ये इससे क्या बच्चों, ये सब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखो उसका डेफिनेशन क्या है बच्चों, आप कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलने चाहते हैं दैट कैन बी मेजर्ड, कैसा बच्चों होगा, कैन बी मेजर्ड by observing without changing the identity, मतलब उसकी identity को change किए बिना भी हम उसको बात कर सकते हैं। इसके example के बच्चों जैसे बात करते हैं color के बारे में, जैसे आपका क्या होगा color हो गया, अगर बोलता हूँ smell हो गया, है ना, अगर मैं बोलता हूँ ये सब क्या बच्चों, ये सब physical properties में आएगा। अब suppose करो अब ये क्या था, ये आपका अगेन दो टाइप का category होता है, एक होता है बच्चों कैसा होता है, एक होता है quantitative, एक होता है quantitative, एक होता है क्वालिटी, एक होता आपका क्वालिटी, एक होता आपका क्वालिटेटिव। मतलब देखो जब हम बात करते हैं क्वांटिटी, जब हम बात करते क्वांटिटी उसमें उसमें क्या आएगा बच्चों, उसमें आएगा नंबर्स, उसमें आपका कोई भी नंबर्स आ जाएगा, और क्वालिटी मतलब क्या बच्चों, वो गुण है। इससे मान के चलो जैसे मैंने बताया कि सुजल है, अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सुजल के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सुजल के एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ सुजल की हाइट है 5 फुट 11 इंच, तो क्या बच्चों कैसा होगा, वो आएगा उसके क्वांटिटी, ये कैसा ये होगा आपका क्वांटिटी प्रॉपर्टीज में आएगा। अगर मैं ये बोलता हूँ कि सुजल का क्या बच्चों, आज एक परफ्यूम लगाया और परफ्यूम का स्मेल बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस कर रहा है, तो अगर कोई मुझे पूछ रहा है कि कितना अच्छा है, कितना सुनते, क्या बता पाओगे? जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि आप अपने मॉम को बहुत प्यार करते हो, राइट, तो कोई पूछेगा आपको कि कितना प्यार करते हो, तो क्या बता पाओगे? नहीं बताओ, तो कैसा बच्चों, वो होता है क्वांटिटी इनफाइनाइट, वो हाँ ऑब्वियसली इन्फिनिट बोलोगे, मतलब कि वो तो बहुत ज्यादा है। तो देखो जो चीज हम करते हैं बच्चों, हम उसको आइडेंटिफाई देके नहीं कर पाएंगे, वो क्या होगा बच्चों, वो आपका क्या होगा, वो आपका क्वालिटी होगा, उसकी क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा आपका क्वालिटेटिव, ये आएगा आपका क्वालिटेटिव में आएगा। उसमें एग्जाम्पल क्या बच्चों, जिससे मैं बोलता हूँ ऑर्डर के बारे में, जिससे बात करता हूँ ऑर्डर के बारे में, जिससे मैं बात करता हूँ कलर के बारे में, वो कैसे बच्चों, ये आपका आ जाएगा क्वालिटेटिव। और फिर बात करते हैं क्वांटिटी, इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, जैसे इसका एग्जांपल आएगा आपका लेंथ आ गया, लेंथ आ जाएगा, है ना, आपका मास आ जाएगा, मतलब कि उसका आपका वेट आ जाएगा उसके अंदर। फिर बोलता है कि सुजल वेट कितना बच्चों, सुजल का वेट है अराउंड 62 kg, तो क्या बच्चों, ये उसकी क्वांटिटी, ये इसकी क्वांटिटी प्रॉपर्टीज है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि सुजल कैसे बच्चों, सुजल आपको क्या मैं बोलूंगा, ये आपके मैं बोलूंगा कि ये कैसे, ये फेयर है, फेयर मतलब क्या, थोड़े सांवले भी है और थोड़े ही, तो सांवले, तो सावले के हम बता नहीं पाएंगे, तो कैसे, ये उसकी क्वांटिटी है, क्वालिटी है, ठीक है बच्चों, ये उसकी क्वालिटी है। तो इतना पता चल बच्चों कि जो फिजिकल पर कितना, ये आपका दो टाइप होता है, एक होता है आपका क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। देखो जब भी आपको सुना दे क्वांट, QUANTI, मतलब क्वालिटी आएगा, तो कैसा उसमें नंबर आएगा, जब बात करता क्वालिटी, क्वालिटी मतलब देखो जैसे बोलता है एप्पल्स है, हम बोलते हैं ना एक अच्छे क्वालिटी एप्पल दीजिए बच्चा, एक अच्छा क्वालिटी दीजिए, तो क्वालिटी मतलब क्या होता है, अच्छा बोलते हैं। अब अच्छा कैसे बच्चों,
बहुत अच्छा भी हो सकता है, कम अच्छा भी हो सकता है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो क्या बच्चों होगा आपका क्वालिटेटिव में आएगा। अगर इतना पट आपको सबको समझ में आ रहा होगा बच्चों, हाँ या ना? यस सर। ओके ओके, अभी हम बात करेंगे, देखो अभी हम बात करते हैं केमिकल, अभी हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या बोल बोल बच्चों, हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या बच्चों, आप तो ट्राई अपने आप से ट्राई कीजिए बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों, थोड़ा सोचो अपने बारे में, थोड़ा सोचो बताओ। दीज आर दी प्रॉपर्टीज कैन बी चेंज बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड पक्का सर? व्हिच इज मेड अप ऑफ वन और मोर देन टू कंपाउंड। केमिकल चेंज टू अकर। हाँ यहाँ दो, यहाँ देखो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज, एकदम से बोलो बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका केमिकल चेंज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका केमिकल चेंज आएगा। अब सपोज करो ऐसे, अगर मैं मांग के चलता हूँ, एक हमारे पास एक लड़का है ना, मांग के चलो पीयूष, अगर मैं पीयूष की बात करूँ, है ना, जैसे मैं पीयूष की बात करूँ, तो पीयूष क्या करे बच्चों, क्या कर रहे हैं वो, मार्केट गए, उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने टमाटो लेके गए, वैसे टमाटो तो बहुत महंगा है लेकिन स्टिल टमाटो लेके आए, और आपका आलू लेके आए, है ना, आलू लेके आए, है ना। अब क्या हुआ, ये दो लेके आए, अब क्या किया, अब उन्होंने इसको काटा और पकाना स्टार्ट किया। तो पकाने में कैसे बच्चों, उसमें उन्होंने नमक डाला, उसको हीट किया, मसाला, तो वहाँ पे क्या है बच्चों, वहाँ पे उसका केमिकल चेंज हुआ, और क्या बना बच्चों, यहाँ क्या बना, ये बना आपका सब्जी, ये बना आपका सब्जी बन गया। तो क्या होगा बच्चों, ये हो गया उसका केमिकल चेंज। इसमें क्या है बच्चों, इसमें आपका केमिकल चेंज आ गया। तो ये आपका केमिकल चेंज बात करते हैं। अब दो सिंपल सी बात है, जैसे अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, जैसे आपका है सोडियम, सोडियम क्या बच्चों, सोडियम क्या बच्चों, सोडियम आपका क्या बच्चों, सोडियम आपका मेटल है, और कैसा बच्चों, ये आपका बहुत रिएक्टिव मेटल है। अगर मान के चलो मैंने इसको ऐड कर दिया क्लोरीन में, मैंने इसको क्लोरीन में ऐड किया, मैंने क्लोरीन में ऐड किया, तो क्लोरीन कैसे बच्चों, कैसा है ये, कैसे बच्चों, ये आपका एक पॉइजन, ये आपका एक पॉइजनस गैस है, मतलब कि बहुत जहरीला गैस है, ये आपका एक बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है, बहुत जहरीला गैस है। क्या होता है जब, क्या होता है जब ये आपका मिक्स होता है तो क्या बनता है बच्चों, क्या बनता है, ये बनता है आपका NaCl, ये आपका NaCl बनता है। NaCl क्या बच्चों, NaCl क्या है बच्चों, ये आपका सॉल्ट है, नमक के बच्चों। तो मैं क्या, ये आप खाने में यूज करते हैं, देखो एक आपका एक आपका मेटल था जो कि बहुत रिएक्टिव था, दूसरे क्या बच्चों, दूसरा आपका गैस है जो कि बहुत पॉइजनस है, इन्हें तो सोचो मर जाएंगे, लेकिन जब उसके तो, जब क्या बच्चों, जब हम उसका केमिकल केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं, क्या वो सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट कहाँ पर काम आता है बच्चों, हमारा खाने में काम आता है। दूसरा एग्जाम्पल के बच्चों, जैसे वाटर फॉर्मेशन हो गया, देखो जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन, क्या कहते हैं बच्चों, ये है आपका सपोर्टर, मतलब कि आपको आग जलाने में काम आता है बच्चों, सपोर्टर करता है। ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन होगा तो आपका ऑक्सीजन होगा तभी आपका आग जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा, दोनों के बच्चों दोनों को आग को भड़काएंगे। लेकिन वो बच्चों जब इसको केमिकल तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका वाटर बनाएगा, ये आपका वाटर बनेगा, राइट बच्चा, हाँ या ना, वाटर बनता बच्चों। तो वाटर ये क्या होता है, ये आपका आग को बुझाता है। तो ये क्या बच्चों, ये आपके केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है, ये आपको प्रॉपर समझ में है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने क्लासिफिकेशन मैटर के बारे में पढ़ाई किया, फिर हमने प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, होमोजेनस क्या होते हैं, हेट्रोजेनस क्या, उसके बारे में प्रॉपरली पढ़ाई किया बच्चों। देन हम क्या करें बच्चों, देन हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और हमने केमिकल प्रॉपर्टीज बारे में पढ़ाई किया। आई गेस सारे बच्चों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं चाहिए, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया और कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, सारे बच्चे समझ गए बच्चों, हाँ या ना? यस सर। ये पार्ट हमने प्रॉपरली पढ़ लिया। अब देखो अभी हम बात करते हैं, देखो जैसे आपको एक बहुत बेसिक चर्चा में बच्चों, देखो फिर हम बात करते हैं आपका मास और वेट के बारे में, किसी बात करते बच्चों, नहीं आपका और टर्म्स भी है आपको बताना था, देखो जरा आपको दिखा था, हाँ अभी हम बात करते हैं SI, अभी क्या बात करते हो, अभी हम बात करते हैं SI यूनिट्स के बारे में, तो ये भी आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। SI यूनिट्स क्या होते बच्चों, अगर मैं कोई क्वांटिटी है, अगर आपका कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, अगर मैं उसको मेजर कर रहा हूँ, तो मेजर करने के लिए आपका वहाँ पे कौन सा क्वांटिट लगे बच्चों, हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, हम उसे कहते हैं आपका SI यूनिट्स कहते हैं। जैसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि लेंथ है, तो लेंथ का SI यूनिट क्या होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, मीटर। मीटर। मास से क्या होता है बच्चों, होता है केजी होता है। अब देखो जब आते हैं करंट के बारे में, तो करंट क्या होता है बच्चों, क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, होता है आपका एम्पीयर में। अब देखो
ये जो लास्ट के तीन है बच्चों, ये आपके काफी इम्पोर्टेंट है। अब देखो होता क्या ना, जब हम बात करते हैं टेम्परेचर बारे में, तो वो होता क्या बच्चों कि मोस्ट ऑफ सारे बच्चे क्या बोलते हैं बच्चों, ये बोलते हैं कि टेम्परेचर इसमें आएगा बच्चों, ये आपका आएगा डिग्री सेल्सियस में। लेकिन क्या था बच्चों, कैसे होता है, ये आपका आता है केल्विन में, आपका केल्विन में आता है। तो ये तीन बच्चों, ये आपको, ये आपके इम्पोर्टेंट बच्चों, इसको आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए बच्चों। डन मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? अगर आपको मोल के बारे में पता चल गया, देखो जैसे आपने सुना हो ना ये नंबर, दैट इज 6.022 × 10³, सुना कि नहीं सुना बच्चा, है ना? ये आपका एवोगाड्रो, ये क्या होता है, आपका एवोगाड्रो होता है। लेकिन आपको आपको अच्छा ये मुझे बताओ कि आपको सर ने बताया कि ये नंबर आता कहाँ से है, हम इसे कैसे डिराइव करते, बताया किसने? नो सर। तो मैं, तो क्या बच्चों, मैं आपको ना डिराइव करके बताऊंगा, मैं आपको ना डिराइव करके बताऊंगा कि ये नंबर आता कहाँ से। तो आपके देखो सिंपल सी बात है ना, तो मान के चलो एवोगाड्रो नंबर, देखो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका एवोगाड्रो नंबर होता है, तो ये आपका मोल कंसम काम है बच्चों। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि नंबर आता कहाँ से, ये नंबर ऐसा क्यों, मान के चलो ये नंबर ऐसा क्यों बना, ये नंबर ऐसा भी तो हो सकता था ना, ये नंबर क्यों नहीं आया, क्यों यही नंबर आया, ये भी तो पता होना चाहिए बच्चों ना। तो ये भी मैं आपको कैलकुलेशन से आपको सब कुछ आपको बताऊंगा। कब बताओ बच्चों? वो जो आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा बच्चों मंडे में, वो मैं आपको वहां पे बताऊंगा। हाँ विशाल बोलो बच्चा, कुछ डाउट था आपको उसे जरा? आई गेस डाउट नहीं है। ओके अब देखो बच्चों, फिर हम बात करते हैं ल्यूमिनस और इंटेंसिटी। देखो तो इंटेंसिटी का क्या होता बच्चों, कैसे क्या बोलते हैं उसे, वो बोलेंगे हम उससे बोले कैंडेला, उसका सेंट क्या होता है, तो ये आपका सीडी होता है। तो ये बच्चों क्या है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। लिखा है मास ऑफ 12 ग्राम ऑफ वाटर। हाँ अरे मास ऑफ, ये आता कैसे बच्चों, फिर आपको ड्राइव करना पड़ेगा, तो मैं आपको वहां से डिराइव करके बताऊंगा कैसे ये आपका नंबर आता है। ठीक है जो समझ गया बच्चा सुजल, सारे बच्चे डन? यस सर। ओके बच्चे ठीक है, ओके डन डन डन। ओके बबड़े, अब देख बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले आपका प्रीफिक्स यूज्ड एसआई यूनिट। अब देख बच्चों ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट बच्चों देखो, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज की बच्चों ये यहाँ से ना आपको एंट्रेंस में क्या आएगा बच्चों, यहाँ से क्या पूछते हैं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं बच्चों, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप ये टेबल पता होना चाहिए कि बच्चों यहाँ से क्या आएगा बच्चों, यहाँ से आपका मैच, यहाँ से आपका मैच द फॉलोइंग आएगा, यहाँ से आपका मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं बच्चों एग्जाम में। अब देखो आपको कहाँ से पढ़ना है बच्चों, आप हमेशा ध्यान बच्चों, आपको है ना, आपको है ना फेमटो, आपको है ना फेमटो से पढ़ना है। तो फेमटो कितना होता है बच्चों, कितना कितना होता है, ये होता है आपका 10^-15। और देखो फेमटो स्टार्ट करना बच्चों, खत्म करना बच्चों, खत्म करना आपको यहाँ पे, दैट इज गीगा, आपको है ना गीगा तक पढ़ाई करना है, दैट इज फेमटो से लेकर गीगा तक आपको प्रॉपरली पढ़ाई करना है। और इम्पोर्टेंट क्या बच्चों, इसमें इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट, दैट इज डेकी, डेका एंड हेक्टो। तो ये पार्ट आप यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो ये भी आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि डेकी मतलब क्या होता है, डेका मतलब क्या होता है, और आपका हेक्टो मतलब क्या होता है। तो हेक्टो में क्या आएगा बच्चों, कितना आएगा बच्चों, हेक्टो में आएगा आपका 10^2 आएगा, डेका में क्या आएगा बच्चों, सिंपल 10 आएगा, और डेसिमल मतलब क्या होगा बच्चों, कैसे होगा 10^-1 आएगा। अबे 10^-1 मतलब कितना बच्चों, कैसे होगा, ये होगा आपका 1/10, ये आपका 1/10 के बराबर होगा। इतना बार सबको समझ गए बच्चों? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा कि आपका लेंथ क्या होता है, मास क्या होता है, करंट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, और आपका इंटेंसिटी क्या होता है। तो इंटेंसिटी आपका कैंडेला होता है ना, इंटेंसिटी कैंडेला होगा बच्चों। देन आपको क्या बोलो बच्चों, आपका अमाउंट सबसे मोल आएगा, टेम्परेचर का केल्विन आएगा, करंट का एम्पियर आएगा, टाइम का सेकेंड आएगा, क्या बच्चों, ये आपका एसआई यूनिट है बच्चों। तो ये आपको प्रॉपरली पढ़ना है, और आपको मैं क्या बोलो बच्चों, ये जो टेबल है जो आपका नेक्स्ट क्लास हो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आपको ना फेमटो से लेकर गीगा तक आपको पूछूंगा क्लास के अंदर, तो सारे बच्चे उसको प्रॉपरली पढ़ के आएंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे ना आपको एक टेम्परेचर स्केल दिख रहा है बच्चों, जब हम टेम्परेचर बारे में बात करते हैं बच्चों, देखो वहाँ पे तीन स्केल आता है, एक आता है आपका केल्विन स्केल,
एक आता आपका सेल्सियस स्केल, एक होता आपका फारेनहाइट स्केल। अब देखो बच्चों, जब जैसे मान के चलो मुझे बुखार आ गया है ना, मुझे बुखार आ गया, तो जब बुखार आता है क्या वहां पे क्या होता है बच्चों, वहां पे आपका क्या रहते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, हम वहां पे फारेनहाइट स्केल यूज करते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं बच्चों, हम उसको फारेनहाइट स्केल यूज करते हैं। अब देखो जब हम बात करते हैं सेल्सियस, तो सेल्सियस कहाँ पे आएगा बच्चों, सेल्सियस आएगा आपका टेम्परेचर। जैसे मैं आपका जैसे बोलता हूँ कि वेदर है, जैसे बोलता हूँ मैं आपका वेदर है, तो आपको वेदर वेदर का टेम्परेचर जानना होगा। जैसे मैं बोलूंगा मौसम है, आज मौसम में बहुत ठंडी है, तो मैं क्या बोलता हूँ किसा है वो आपका 5 डिग्री सेल्सियस, तो आपका टेम्परेचर आ गया। अब केल्विन कहाँ पे बच्चों आएगा, केल्विन आता आपका रिएक्शन में, जो आप जब जो भी हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते बच्चों वहां पर क्या करते हैं, वहां पर हम केल्विन स्केल को यूज करते हैं। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर जो कन्वर्जन आता है, यहाँ पे आपका जो कन्वर्जन आता है बच्चों, ये पता होता है बच्चों, ये क्या बच्चों आपको पता होगा, सिंपल सी बात है, हमने क्या बोला, देखो अगर आपको क्या करना है, आपको अगर आपको फारेनहाइट को आपको सेल्सियस, आपको एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ऐसा होगा दैट इज 9/5 क्या है बच्चों, 9/5 सी प्लस 32। ये क्या हो बच्चों, ये आपका फारेनहाइट से सेल्सियस का चेंज फॉर्मूला। और आपका केल्विन में क्या आएगा बच्चों, केल्विन में कैसा आएगा, आप क्या बोलो बच्चों, आप ये बोलोगे दैट इज के इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। देखिए बच्चों ये आपका केल्विन का है और दूसरा आपका फारेनहाइट का है बच्चों। तो क्या बच्चों ये आपको ये प्रॉब्लम आपको प्रॉपरली पढ़ना है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर देखो जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि टेम्परेचर क्या बच्चों, अगर आपका 0 डिग्री है तो आपका टेम्परेचर केल्विन में कितना है बच्चों, कैसा आएगा, ये होगा आपका 273.15 आएगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर टेम्परेचर 0 है तो फ्रेंड में कितना बच्चों, ये आएगा आपका 32 आपका फ्रेंड आएगा बच्चों। तो ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इतना पार्ट समझ गए बच्चों सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब देखो अभी मैं आपको ये पूछता हूँ आप है ना चेंज करो, आप है ना देखो अगर मैं बोलता हूँ कि टेम्परेचर है मान के चलो 35 डिग्री सेल्सियस, अब मुझे बताओ कि फारेनहाइट में उससे क्या वैल्यू आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एफ इक्वल टू 9/5 सी 32 सी प्लस 32। ये अब देखो इसको सॉल्व करो बच्चा, अब मुझे बताओ अगर आपका 30 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में कितना वैल्यू आएगा, ये मुझे बताओ सारे बच्चे, कमान तब तो मैं भी करता हूँ, कौन बच्चे कमान सर, 95 डिग्री फारेनहाइट सर, 95 पूछेंगे। और मैं आपको ना आज अभी थोड़ी देर में आपको सारे नोट्स सेंड कर दूंगा, आपको नोट सेंड कर दूंगा, आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी सेंड करूंगा JEE के, और आपको हर एक पार्ट आपको सॉल्यूशंस और आपका एग्जाम्पल भी सेंड करूंगा, ठीक है बच्चा, और आपको नोट्स भी करूंगा। डन मेरे प्यारे बच्चों, है ना? यस सर। ओके, तो क्या आज का क्लास, तो आपको आज की क्लास में मजा आया कि हाँ चलो आपने कुछ नया सीखा, आपको लगा ऐसा? यस सर। यस सर। और एक बात मेरे प्यारे बच्चों ना देखो, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा, देखो कभी भी ना क्लास में जब आते हो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना कि मुझे कुछ पढ़ना है ना, क्योंकि देखो इस बैच में गर्ल्स पढ़ रहे हैं और बॉयज पढ़ रहे हैं, तो आप सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करना है ना, जिससे क्या होगा आप खुद आगे बढ़ पाओगे। जैसे मैं अगर मैं NIT में गया हूँ तो आपको भी NIT IIT में जाना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डन? यस सर। हाँ तो अभी पीयूष बोला अटेंडेंस, देखो अटेंडेंस क्या बच्चों, मेरे पास एक ऐप है, वहां से आपका ना सारे बच्चे लोग का भी अटेंडेंस नोट डाउन हो गया, जितने बच्चे एडमिट हुए सबका नोट अटेंडेंस हो गया, और मैं आपको अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, डन? तो बच्चों यस सर। हाँ मैं यहाँ पे क्लास एंड करेंगे, और आपका जो टेम्परेचर है फ्रंट है बच्चों, ये पार्ट आप प्रॉपर पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं आपका ये सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, और आपका क्या पढ़ेंगे बच्चों, आपका है ना दैट इज प्रिसाइज और एक्यूरेसी के बारे में पढ़ाई करेंगे बच्चों। हाँ टाइम टेबल अभी मैं आपको अभी जस्ट अभी ग्रुप में अभी सेंड कर दूंगा, ठीक है,
डन यस सर यस सर चलो बच्चों मुझे बहुत मजा है आपको पढ़ाने के लिए, आप बहुत अच्छे से पढ़ाए बच्चे बच्चों, और हम चाहता हूँ सारे बच्चे हमेशा से पढ़ेंगे और पक्का हम कह रहे बच्चों आपका एनआईटी आईआईटी निकालेंगे। डन मेरे बच्चों सर।